कुछ डिशेस जो है ना वो स्पेशल होती हैं, हाँ, और ये वाली जो है ना ये बड़ी स्पेशल है। ये बड़ी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ डिश, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आधे पंजाब के लिए दाल मीट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो नमस्कार, मैं रणवीर बुरार। हमाम दस्ता हमारे साथ है, काली मिर्च हमने रख ली है। मुस्कुराइए कि आप दाल मीट बना रहे हैं। ब्रेक के बाद वही म्यूजिक वाला ब्रेक, एड ब्रेक थोड़ी ना, हमें एड कौन देता है, म्यूजिक वाला ब्रेक। कॉलिंग एंड एक्शन। शुरू करें फिर प्रोग्राम। बहुत ही सिंपल रेसिपी है जी। तो ये रेसिपी खास इसलिए है क्योंकि बहुत समय से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रणवीर दालचा दिखाओ, हैदराबादी दालचा इतना फेमस है। तो मुझे हमेशा लगता था यार मेरे को दाल और गोश्त की दालचा की मेमोरी नहीं है, मैं उसे ट्रैक नहीं कर पाता मैंने दाल गोश्त जो है वो कहाँ खाया है। तो दाल गोश्त जो है मैंने खाया था बहुत 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 छोटे होते, पंजाबी स्टाइल दाल गोश्त। हमारे दादाजी के दोस्त थे और हम गुरुद्वारे जाते थे उनके साथ, तो फिर उन्होंने एक दिन घर पर बुला के और उनकी वाइफ ने जो लाहौर से थी उन्होंने दाल गोश्त बनाया था, वो रिक्रिएट करते हैं जितना मुझे याद है, बाकी बन जाएगा, अच्छा बनेगा। दो बड़े प्याज या तीन मीडियम प्याज स्लाइस करने। जब मेमोरी से खाना बनाते हैं ना तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। दर्शन आंटी की रेसिपी थी, ख़राब नहीं करनी रणवीर, ठीक है। मेरे पास ये करीब 700 ग्राम गोश्त है और गोश्त मैंने कंधे का लिया है, इससे पता लग जाता है कि ये शोल्डर है क्योंकि शोल्डर का ब्लेड है ये। स्लाइस ऐसे करने हैं, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। आधे प्याज जो है वो हम गोश्त में डाल देंगे और आधे प्याज हम रखेंगे बाद में ऊपर से फिनिश करने के लिए, ठीक। और दाल कौन सी, दाल चना दाल। 750 ग्राम गोश्त है, उसमें 200 से 250 ग्राम दाल, कुछ लोग 50% भी डालते हैं, मुझे लगता है 200 से 250 ग्राम दाल जो है वो बहुत है। उसको सिर्फ धो के सोक किया हुआ है, पानी निकाल देते, ठीक है। अब गोश्त, जब भी आप गोश्त के साथ दाल पका रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा हड्डी वड्डी ये वो जो कुछ भी है ना सब ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोली ही यही है कि दाल में जो गोश्त का जायका जाएगा तभी पैसे वसूल होंगे। अब इसमें एक खुराफात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा दही डाल रहा हूँ, ये 2-3 बड़े चम्मच दही डाल रहा हूँ बस। कई बारी गोश्त जो है वो हार्ड होता है, टफ होता है, हल्का सा दही अदरक लहसुन लगाने से गोश्त जो है वो थोड़ा नरम हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा प्याज गोश्त में और बाकी प्याज हमने रख लिया अपने पास। 2 इंच पीस जिंजर, हमाम दस्ता, 6 से 8 कली लहसुन, 3 हरी मिर्च श्रद्धा अनुसार, ठीक है ना, पता लगा आप तीखा नहीं खाते, मैंने बोल दिया 3, सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। और अगर ये बाहर भाग रहा है और काबू में नहीं आ रहा है थोड़ा नमक डाल दीजिए। देखिए नमक डालते हो गया ना काम। ऐसा कोई फाइन पेस्ट बनाने का कंपटीशन नहीं है कि जिसने फाइन पेस्ट बनाया उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, रफ ही रखना है उसको। फैंटास्टिक, यहां भी हो गया, थोड़ा नमक और डाल रहा हूं, थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डाल रहा हूं। सरसों के तेल से गोश्त थोड़ा नरम होता है, थोड़ा सा डाला है मैंने, 1 बड़ा चम्मच बस, चलिए 1.5 बड़ा चम्मच। टन 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 हड्डियों की हो रही है ना, वही इस डिश की मोनोपोली है, पंजाबी दाल गोश्त की। और ये जो बनता था ना, मतलब तौड़ी में बनता था, तौड़ी मतलब मिट्टी की हांडी में बनता था, धीरे 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 पकता रहता था और चूल्हे के ऊपर तौड़ी पे धीरे धीरे, पंजाबी में कहते हैं रिजदा रहता थी। अब जी घी, जो करे माँ ना प्यो ओ करे देसी क्यों। देखो जी शुरुआत हो चुकी है, आधे प्याज को हम ब्राउन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला प्याज जो है रंग देगा, नटीनेस देगा, उसके बाद जो दूसरा प्याज है गोश्त के साथ वो जूसीनेस देगा क्योंकि वो गोश्त का पानी पी जाएगा, फिर धीरे धीरे पकेगा तो वो जूसी होगा। बाकी बॉडी के लिए हमारे ये बॉडी बिल्डर इस डिश में ऑलरेडी है। धीरे 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 करना है प्रोग्राम, जल्दी वाली कोई बात नहीं है। मुझे प्याज मोटा रखना अच्छा लगता है कि आपको वक्त मिलता है, जलता नहीं है, तो इसलिए ये प्याज जो है 2 नंबर पे काटा है मैंने, 2 नंबर मतलब 1.5 दिया सलाई की थिकनेस।
अभी सेंटीमीटर मिलीमीटर वाला डिपार्टमेंट मेरा बहुत वीक है, प्लीज़ वो उम्मीद ना रखें मुझसे। दिया सलाई के हिसाब से बता सकता हूँ आपको, मैच स्टिक थिक और नॉट मैच स्टिक थिक। अभी इतना ब्राउन किया है मैंने, देखिए अब इसमें जाएगा हमारा वाला गोश्त। वेस्ट कुछ नहीं करना। और अब जो कार्यक्रम है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये कार्यक्रम है भुनाई का। अगर आपको दही नहीं डालनी थी तो आप ना डालते, लेकिन प्याज मिर्च अदरक लहसुन ज़रूर डालिए। और अगर आपको सरसों के तेल से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सरसों का तेल भी ज़रूर डालिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा ऐसे सर पे खड़े नहीं रहना चाहिए खाने के, हाँ, व्हेन यू आर लुकिंग यू आर नॉट कुकिंग। तो देखिए जो ब्राउन हो गया है, क्यों, गोश्त भी भुना है, पहले का ब्राउन अनियन है उसने भी रंग छोड़ा है। अभी इसमें क्या है ना, मैं खड़े मसाले अभी डालूंगा, बड़ी इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी। यू कैन स्टार्ट इट इन द घी ऑल्सो, चूंकि बड़े लंबे समय तक पकनी है तो इसलिए मैंने अभी डाली और इसको भूनना चालू कर दिया है। इसके बाद देगी मिर्च, हल्दी और धनिया, धनिया ठोक। ये धनिया जो मैंने अभी अंदर जाके फटाफट से पीस के लाया हूँ मैं फ्रेश। धनिए को पंजाबी खाने में हमेशा कभी भी फाइन पाउडर नहीं करते, देखिए इससे ज़्यादा पाउडर नहीं करना है। और पीसने से पहले बस फेरा लगवा दिया चूल्हे का, मतलब ताकि हल्की सी मॉइस्चर जो है, हल्की सी उमस जो है वो निकल जाए। सिर्फ अपना धनिया पाउडर खुद पीसिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूँ। बेसिक गरम मसाला अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, उसके सिवाय इसमें और किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है। इसकी ब्यूटी जो है वो यही है कि जैसे दाल आप बनाते हैं कम मसाले डालते हैं टेस्टी बनती है ना, इसकी ब्यूटी वही है। वाह भाई वाह। धनिया के भुनने की खुशबू शुरू हो जाए इसका मतलब आपका मसाला 70% डन है। दाल जो है वो अपने दिल के करीब, मतलब हांडी के करीब ला के रख लीजिए। दाल मीट बनाना है, प्लीज़ बोनलेस गोश्त ना यूज़ करें। स्ट्रेंथ जो है, बॉडी जो है टेस्ट की, वो हड्डियों की है। ये देखिए ये घी छूट गया ना, अब गई दाल। आपको लग रहा है दाल कम है गोश्त ज़्यादा है, टेंशन मत लीजिए, दाल जब पकती है ना तो चार गुना होती है। तो ये जो 250 ग्राम दाल है ये 1 किलो हो जाएगी इक्विवेलेंट में पकने के बाद। थोड़ा सा मैं घी डाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा मन कर रहा है। और पानी, ये ब्राउन नहीं है लाइक अ मटन करी, वो रंग नहीं है, इसमें एक येल्लोनेस है, इसलिए हमने हल्दी जो है वो ज़्यादा डाली है और मिर्च जो है वो हरी मिर्च से रंग देने की कोशिश करी। गोश्त जब कवर हो जाए तो उसका कम से कम नहीं तो आप आधा पानी और डालिए। रंग देखिए, रंग की धार देखिए और फिर मुस्कुराइए कि आप दाल मीट बना रहे हैं। वेरी नाइस। मैं सोच रहा था बचपन में जो खाई थी उसकी 19 है कि 18 है, तो 19 ही है, यू नो। एक बार जो मेमोरी में स्टिक हो जाती है वो 20 का फिर 21 होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 19 रह जाती, लेकिन 19 है। इसमें अगर मैं कुछ चेंज करूँगा, अगर अपना थोड़ा लखनऊपना डालूंगा, धनिया की डंडी को चॉप करके इस वक्त इसके साथ में डाल दूंगा, उससे धनिया का जो फ्लेवर है लंबे समय तक इसके अंदर आता रहेगा। बस उसके सिवाय मैं कुछ नहीं बदलूंगा, सिर्फ चुपचाप ढक्कन लगाऊंगा और वापस से पानी पी के आऊँगा, बिकॉज व्हेन यू आर लुकिंग यू आर नॉट कुकिंग। अगर आप नॉर्मल मटन करी बना रहे होते तो आप मान लीजिए 100 ग्राम घी डालते हैं अपनी मटन करी में। अगर आप दाल गोश्त बना रहे हैं, दाल मीट बना रहे हैं, दालचा बना रहे हैं और वो भी चना दाल के साथ खास, तो चना दाल बहुत खुश्क होती है, चना दाल को घी और रज़ाइयत चाहिए होती है, इसलिए 125-130 कर लें, प्रोपोर्शनेटली 30% घी की क्वांटिटी अपने दाल मीट में बढ़ा लें। ठीक, सब बता दिया मैंने, वरना आप दाल मीट बनाते, दाल मीट जो है वो बनता तो टेस्टी लेकिन ड्राई ड्राई लगता सबको, और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बता दिया, ड्राई ड्राई जो लगता है ना वो खुश्की दाल से आती है, उसको मारने के लिए घी का इस्तेमाल कीजिए, बाकी थोड़ा दही तो है ही। क्या था वो लिफाफा देख के खत का मजमून भांप लेते हैं, भांप लिया गया खुशबू से। अब इसकी जो मोनोपोली है ना वो है जी दालचीनी, किसी कारण से ही उसको दालचीनी बोलते हैं, तो अगर दाल मीट बना रहे हैं और उसमें दालचीनी नहीं डाली ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए बढ़िया से गोश्त जो है वो पक गया है। अब कुल मिला के इसकी 10 मिनट की भुनाई और है, मामला बिल्कुल सेट हो जाएगा। लास्ट में इसमें हम डालेंगे काली मिर्च और जीरे का तड़का,
ये जो है सिर्फ दाल मीट में होता है, ये दाल गोश्त में नहीं होता, ये दालचे में नहीं होता, ठीक है जी। तो उसकी तैयारी करते हैं। आई स्वेर, रोटी पे खड़ा हूं, आज मैंने तब का खाया पहली बार बनाया, मैंने ना दालचा भी नहीं बनाया कभी नहीं बनाया मैंने, बना अच्छा है। डन है जी, जीरा भी रेडी है, गोश्त भी रेडी है। गोश्त सरसों के तेल में पकाएं, ये वाला जो तड़का है ये घी में होना चाहिए। अब बनाइए दाल मीट। अब आपने ये जो डिश बनाई है ये अगले दिन और बेटर होगी, बिकॉज घी जीरा काली मिर्च जो है वक्त के साथ बेटर होते हैं। तो वो भी आपने बीच में एक वो डाल दिया एंगल। अब ये होगा कि यार आज क्यों खाएं, कल खाएंगे। देखिए दाल ने सारा पानी पी लिया ना, और पानी के साथ में दाल ने सारा फ्लेवर भी पी लिया। थोड़ा पानी मैं ऐड कर रहा हूँ, गर्म करके ऐड कर रहा हूँ जी, देख लो, ठंडा पानी नहीं ऐड करना। और अब मैं इसको चला रहा हूँ, देखिए, वरना इतनी देर मैंने छोड़ रखा था, क्योंकि अब जो है दाल गल चुकी है। अब जो गोश्त की हड्डियाँ हैं, धीरे धीरे मोहब्बत से अगर चलाऊंगा तो वो दाल को घोट देंगी, घोट देंगी मतलब मैश कर देंगी। इसलिए गैस करते हैं बंद और डालते हैं धनिया ठोक के। मैं क्या, डंडी डुंडी सब हैं, पंजाब में हम कोई भेदभाव नहीं करते। देख रहे हो किस लेवल तक मैं धनिया डाल रहा हूँ, मतलब एकदम ठोक के, मतलब ठोक के। दाल मीट के साथ में नींबू देना बड़ा ज़रूरी है, आप परोठे के साथ दें, रोटी के साथ दें, गाढ़ा रखें इसको। नींबू और कच्चा प्याज वो कंप्लीट करता है इसको। और मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हड्डी शड्डी आने दें। हेलो जी, दाल मीट मतलब नमक मंडी में नहीं मिलता होगा ऐसा। अब नमक मंडी क्या है वो आप गूगल कर लीजिएगा, तब थोड़ी ना बताऊँगा। थोड़ा सा धनिया डाल देता हूँ ऊपर, उसके बगैर तो फिर कंप्लीट ही नहीं होती ना लाइफ। खाना और म्यूजिक दोनों मूड से बड़े जुड़े होते हैं। अभी कुछ वक्त पहले मैं उस्ताद राशिद खान साहब का अलबेला सजन है, और अभी मैंने इसको टेस्ट किया, गाना वही गूंजा, अलबेला सजन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ फूड। सादर निवेदन, अगर गोश्त खाने का मन है तो दाल मीट बनाइएगा, मजा ना आए पैसा वापस, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहाँ भी मज़ा ना आए तो भी पैसा वापस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर इफ़ यू लाइक। थैंक यू वेरी मच एंड लॉट्स ऑफ लव।